हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एमएस चौहान की वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में। आज के वीडियो में हम 111-120 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, हाइड्रेशन ऑफ 3-phenyl-butene इन डाइल्यूट H2SO4 विल गिव मेनली। हमारे पास 3-phenyl-butene क्या होता है, हमारे पास butene बना लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पर butene लग गया तो 1, 2, 3 पे फेनिल ग्रुप हो गया। अब इसके आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो एसिडिक मीडियम में H+ है, हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन से सबसे पहले क्या बनेगा, इनिशियल स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन कहाँ पे बनेगा, सेकेंडरी कार्बन पर, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्रेट शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या बनेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन। इनिशियली सेकेंडरी था ये, यहाँ पर जो हाइड्रेट शिफ्ट के बाद में कार्बोकैटायन बनेगा वो यहाँ बनेगा जो कि टर्शियरी है। प्लस रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी यहाँ पे मिल रही है ड्यू टू बेंजीनिंग या पीएच ग्रुप, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इस पे क्या होगा, डाइल्यूट मीडियम था तो वाटर का अटैक होगा। वाटर का अटैक होगा तो अपने पास फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर पीएच है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ पर ये सी रह जाएगा। तो ये मोलिक्यूल का अपन नाम लिखते हैं तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 यानी 2-phenyl-butene-2-ol। 2-phenyl-butene-2-ol इज द आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। तो सैलिसिलेट किससे मिला होगा, सैलिसिलिक एसिड से। सो सैलिसिलिक एसिड हमारे पास क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है हमारे पास ये वाला गप्पा हो, ठीक है, यहाँ पर OH और यहाँ पर C OH। ठीक है, ये हमारा क्या है, सैलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से आप क्या करेंगे, H को रिमूव कर देंगे किसी भी एसिडिक, किसी बेस से, लेड से, बेस से, यानी OH- से हमने एसिडिक एच को लेके, तो हमारे पास जो बन जाएगा फाइनल वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर C OO- Na+। तो ये हमारे पास जो बना ये सोडियम सैलिसिलेट, इसके आप किसके साथ रिएक्शन करेंगे, NaOH+CO जो कि क्या है, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या करता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस रिमूव कर देगा, यानी ये रिमूव हो जाएगा। तो अपने पास फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या रह जाएगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2 ये बन जाएगा फिनोल। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 में हमारे पास पूछा गया है कि ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कितने मोल पराआयोडिक एसिड की यूज़ करेंगे। तो अपने पास पराआयोडिक एसिड से क्लीवेज अपन किस किस का कर सकते हैं, यदि कार्बन कार्बन पे इस तरह से 1-2 पोजिशन पे OH हो, या कार्बोनिल ग्रुप 1-2 पोजिशन पे इस तरह हो, या C OO COH इस तरह से हो। ये HIO4 किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, डजंट रिएक्ट विद ईथर, रिएक्ट विद ईथर, ईथर्स के साथ रिएक्शन नहीं करता, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखिए कितने बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए एक मोल चाहिए होगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक मोल चाहिए होगा। यहाँ पर ईथर दिया हुआ है तो यहाँ पर अपने को यूज़ नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर भी साइक्लिक ईथर है तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करने के लिए अपने को यूज़ नहीं होगा। तो ओनली यहाँ पर पराआयोडिक एसिड के कितने मोल यूज होंगे, 2 मोल। तो X=2 हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 में हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एल्कोहल टाइप से न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर सकते हैं, कैस्टर पे भी कर सकता है और कीटोन पे भी कर सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हो जाएगी, या न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी जो होगी वो कीटोन पे ज़्यादा होगी देन इसके एस्टर के। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर डेल प्लस चार्ज ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ पर ये इथाइलीन ग्लाइकोल है तो इसके अपन डायरेक्टली यदि ट्रिक से ही यूज़ करें इसका, यानी अटैक करके मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, बट आप इसको डायरेक्टली ट्रिक से भी इसका क्या बना सकते हैं, एसेटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो जाएगा H2 और बाकी मॉलिक्यूल अनअफेक्टेड रहेगा वैसे ही। ठीक है, यहाँ पर ये एस्टर है, इसके बाद में क्या बन जाएगा, इससे हमारा ये बन जाएगा एल्डिहाइड कीटोन में इस इथाइलीन ग्लाइकोल के साथ में रिएक्शन अपन क्यों करते हैं, इससे हम एल्डिहाइड ग्रुप को प्रोटेक्शन, या एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। अब प्रोटेक्शन से क्या मतलब है कि हमारा जो एसिटल फॉर्म है ईथर है, ईथर किसी के साथ रिएक्शन करता नहीं है तो अपने पास ये अनअफेक्टेड रहेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करके वापस एल्डिहाइड कीटोन बना लेते हैं। अब जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अब ये रिड्यूस करेगा तो किसको रिड्यूस करेगा, ये केवल एस्टर को रिड्यूस करेगा, ना कि इन सब को।
तो यहाँ पर रिड्यूस कर देगा किसको, ये एस्टर को, एस्टर को रिड्यूस करके क्या बना देगा, सी एच सी एच थ्री। तो ऐसा कैसा ही है, एस्टर रिड्यूस होगा सी एच टू ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी मोलिक्यूल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अनफेक्टेड रहेगा। फिर फर्दर अपन यदि इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करने पे वापस यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लेट से प्रोटोनेशन होगा, फिर एच टू मोलिक्यूल का अटैक होगा यहाँ पर, और ये इस तरह से फिर दोनों कार्बन पर ओ एच ओ एच रिमूव हो जाएंगे। ईथर्स जो होते हैं वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन देते हैं, बाकी किसी भी मीडियम में दूसरे में रिएक्शन नहीं देते। तो यहाँ पर एक ही कार्बन पर दो ओ एच है जो कि हाईली अनस्टेबल होगा, तो रिमूवल ऑफ वाटर कर देंगे। सॉरी यहाँ पर ये बेंजीनिंग नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीनिंग होता तो यहाँ पर कार्बन पे दो बॉन्ड हो ही नहीं सकते थे, साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ जाएगा, और बाकी मोलिकुल आप इसी तरह से रहने दीजिए। तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास ऐसा ऑप्शन है बी, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने भाई इथाइलिन ग्लाइकोल की किसी रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं और हमारे पास ये बन रहा है, तो यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल से ये तो मिल रहा है ये वाला, बट अपने पास जो डिफरेंस है वो सिर्फ यहाँ पर एक ही कार्बन का, और उससे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा, जो भी ग्रुप यहाँ पर जुड़े होंगे इससे दोनों तरफ, वो क्या करेंगे, एज अ लिविंग ग्रुप की तरह के ग्रुप होंगे कि लीव कर जाए। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप इजीली लीव नहीं करते, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी इन नहीं होगा। तो यहाँ पर पॉसिबल क्या है, ये हो सकता है। तो इसकी मैकेनिज्म भी अपन देख लेते हैं, ये क्या है फोजीन, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो हमारे पास याद, यहाँ पे देखिए सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच, ये है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सी एल सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। अब यहाँ पर ये लोन डोनेट करेगा, यहाँ पर ये रिवर्स आएगा, रिवर्स आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा सी एच टू सी एच टू, यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर बाकी ओ एच रह गया, यहाँ पर सी ओ माइनस सी एल सी एल, ठीक है। अब ये ओ माइनस जब पीछे आएगा तो हमारे पास ये एच भी साइमल्टेनियसली निकलेगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज घटाने के लिए, और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो रिमूवल ऑफ एच सी एल टेक्स प्लेस। तो रिमूवल ऑफ एच सी एल हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा सी एच टू ओ सी एच टू ओ एच, ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। इसमें फर्दर फिर इसी से अटैक करेंगे आप, ये अब हो जाएगा फिर रिमूव होगा और ये सी एल, तो यहाँ पर फिर एच सी एल एक और मोल एच सी एल का रिमूवल होगा, तो अपने पास बन जाएगा सी एच टू सी एच टू, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, फिर सी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो मैच कर रहा है, इसलिए हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा ए वो होगा सी ओ सी एल टू, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, 116 में हमारे पास यहाँ पर कुछ कन्वर्जन दिए गए, पूछा गया कि कौन सा कन्वर्जन रिएजेंट से बेस्ट होगा। तो यहाँ पर ए में यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन है, तो यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पर रिएजेंट यूज़ होगा ओ एच, जो कि ए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सल्फर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में यदि देखें तो बी में हमारे पास यहाँ पर ये किया गया, तो इस एस्टर है, एस्टर से एल्कोहल बना, एस्टर से एस्टर एल्कोहल के लिए अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस एस्टर इंटू एल्कोहल, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में चेक करते हैं, तो सी ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर यदि हम KMnO4 लेते तो अपने पास क्या होता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता, सी डब्ल्यू एच में, यहाँ पे सी एच टू ओ एच से सी एच ओ में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पी सी सी अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या सी एच ओ से सी एच ओ रह गया, बट यहाँ पर ऑक्सीजन दो ओ एच ओ एच लगेंगी, जिसके लिए अपने को क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। तो डी जो रिएजेंट है वो अपना मैच सही कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमारा इस ये कन्वर्जन पॉसिबल है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर करेक्ट जो कम्बिनेशन है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इन द लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन सिक्वेंशियल चेंजेस इन द कलर ऑफ फिनॉल अकर्स एज, तो हमारे पास जो लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट है उसमें फिनॉल का यूज़ किया जाता है, पर इसमें इसका यूज़ क्यों करते हैं, ये सब सेकेंडरी एमाइंस के डिटेक्शन के लिए अपन करते हैं। तो सेकेंडरी एमाइन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोसो एमाइन बाय ट्रीटिंग द एमाइन विद नाइट्रस एसिड ऑन वार्मिंग विद फिनॉल एंड कंसनट्रेट H2SO4, ब्राउन और रेड कलर इज फॉर्म्ड एट फर्स्ट विच चेंजेस टू ब्लू देन ग्रीन। हमारे पास जो कलर चेंजेस का कन्वर्जन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सबसे पहले रेड था, फिर हमारा ब्लू हुआ, फिर हमारे पास ग्रीन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कन्वर्जन किस फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इथेनॉल व्हेन
रिएक्ट्स विद पी सी एल फाइव गिव्स ए, तो हमारे पास इथेनॉल क्या होता है, दो कार्बन का एल्कोहल, किसके साथ रिएक्शन करेगा, पी सी एल फाइव के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये मैकेनिज्म कौन सी होगी, एस एन टू मैकेनिज्म। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बन जाएगा विद एच सी एल, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड की आप ड्राई ए जी टू ओ के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ड्राई ए जी टू ओ में क्या बनेगा, यहाँ पर, यहाँ पर ड्राई ए जी टू ओ की रिएक्शन मैकेनिज्म जो होगी वो इस तरह से होगी कि यहाँ पर सी सी एल ए जी ओ ए जी प्लस हमारे पास सी एल सी सी एल, तो यहाँ पर ये ए जी सी एल हो जाएगा, यहाँ पर ये भी ए जी सी एल हो जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे मिलेगा अपने को डाईथाइल ईथर, ए टी ओ ई टी। बट यदि यहाँ पर अपन ड्राई नहीं यूज़ करते, यहाँ पर अपन मोइस्ट ए जी टू ओ यूज़ करते, मोइस्ट ए जी टू ओ, देन हमारे पास मोइस्ट ए जी टू ओ से क्या मिलता है, अपने पास ए जी प्लस ओ एच माइनस, देन मोइस्ट ए जी टू ओ के प्रेजेंस में क्या होता, मोइस्ट ए जी टू ओ के प्रेजेंस में यदि एल्काइल हैलाइड अपन ये लेते तो प्रोडक्ट अपने पास एल्कोहल बनता फाइनल, बट यहाँ पर ईथर बनेगा। तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट क्या था, एल्काइल हैलाइड यानी सी टू एच फाइव सी एल, फिर डाईथाइल ईथर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 में इनिशियली हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एल्कोहल दिया हुआ है जो कि लिक्विफाइल की तरह अटैक करेगा, और किस पे करेगा, इस सल्फर पे अटैक करेगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, फिर रिवर्स आएगा तो क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास होगा कुछ इस तरह का, यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू का होल थ्राइस ओ, फिर इससे ये वाले ग्रुप। अब हमारे पास ये क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है लाइक ओ टी एस टोसिलेटा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी एन फोर्टीन जो है नेगेटिव, ये एस एन टू अटैक करेगा कहाँ पे, इसके कार्बन पे, लास्ट वाले कार्बन पर, और ये ऑक्सीजन माइनस वाला जो ग्रुप है ये लीव कर जाएगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप अच्छा क्यों है ये हमारे पास, क्योंकि इसका जो एनायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल एनायन है ड्यू टू थ्री इक्वल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। ये कौन सी मैकेनिज्म है, ये एस एन टू मैकेनिज्म है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू का होल थ्राइस यहाँ पर सी एन। अब साइनाइड बन चुका है, साइनाइड का यदि आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाँ, आप हमेशा याद रखिए जब भी आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन आपको दिया हुआ है और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली सी एन को किस में कन्वर्ट कर देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप मैकेनिज्म से भी इसको कर सकते हैं, बट आप ये ट्रिक याद रखें तो आपके क्वेश्चन करने में फास्ट स्पीड बनेगी, ठीक है। तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिए, सी एच थ्री सी एच टू का होल थ्राइस यहाँ पर सी डबल ओ एच, बट जो ये कार्बन होगा ये कौन सा होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन का, यानी 14 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 14 है तो ये भी 14 यूज़ होगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ऐसे ही दिखे हुए थे, ये वाला और ये वाला, बट कार्बन अपन ने कौन सा यूज़ किया, कार्बन 14 जो डिस्टिंग्विश करता है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 में पूछा गया है कि चूज द बेस्ट सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एन प्रोपाइल ईथर, फिनाइल एन प्रोपाइल ईथर क्या होगा, पी एच ओ और एन प्रोपाइल एन, तीन कार्बन यहाँ पर, ये हमें सिंपली बनाना है, किससे बनेगा ये चेक करना है। तो पहला ऑप्शन ए देखते हैं, ए ऑप्शन में देखिए इनिशियली क्या होगा, हमारे पास यदि फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉल के पास एसिडिक एच है, सोडियम मेटल के साथ में इस एसिडिक एच को लेके चला जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा फिनोक्साइड, ठीक है, ये फिनोक्साइड बन गया। फिनोक्साइड पे अपन ने एल्काइल हैलाइड का अटैक करेंगे, एस एन टू अटैक, ये एस एन टू अटैक हुआ, एस एन टू अटैक में क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से ऑक्सीजन फिर तीन कार्बन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास प्रो एन प्रोपाइल है, ये फिनाइल है और ये ईथर है। डेट मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट चाहिए अपने को, फिनाइल एन प्रोपाइल ईथर, वो अपने को मिल सकता है ऑप्शन ए से, ठीक है। तो आंसर हमारा ए होगा। बाकी ऑप्शन को भी टैली कर लेते हैं अपन, कि सोडियम यहाँ पर निकला तो नेगेटिव यहाँ पर बनेगा, नेगेटिव से आप पी एच का अटैक करेंगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर ये 1, 2, 3 पे है, ऑक्सीजन पे भी है और पीएच भी आ रहा है, तो इस तरह से देखे तो अपन, सॉरी ये पीएच पे इस तरह से नहीं होगा, आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर पीएच क्या है, इस पे अटैक यदि आप एस एन टू कराएंगे तो एस एन टू पॉसिबल है क्या यहाँ पर, ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो यहाँ पर कोई भी एस एन टू रिएक्शन नहीं होगी, नो एस एन टू, ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होने की वजह से कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यदि प्रोडक्ट बनता तो अपने पास सिमिलर ही प्रोडक्ट बनता जैसा कि आपने को पूछा गया है, तो यहाँ पर बी में कोई रिएक्शन नहीं होगी। सी में हमारे पास यहाँ पर कोई भी एसिडिक एच नहीं है, नो एसिडिक एच, इस वजह से भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। डी ऑप्शन में चेक करें, डी ऑप्शन में यदि आप इसको रिमूव करते हैं फिर एच बी आर से वापस एच प्लस यहाँ से मिल जाता है तो हमारे पास रिएक्टेंट ही अपने को पुनः मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट, तो
तो ये हमारे पास क्या नहीं है, फेनाइल एन प्रोपाइल ईथर नहीं है। डेट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार ऑप्शंस में वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो ए थम्स अप इफ इट इज यूजफुल फॉर यू। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.